असलकुम हम अब फिलॉसफी फॉर डमीज़ के अगले पाँच सफ़े देख रहे हैं इलाइटनमेंट के फिलॉसफ़र्स के अंदर हमने अभी जॉन लॉक जॉर्ज बर्कले और डेविड ह्यूम को देखा था इसके आगे अब हम लबनिस को देखने लगे हैं <coughs> मगर उसने उसको देखने से पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन मुन्फ़ की तरफ से आती है वो ये है कि फ़िलासफ़ी की तारीख़ में अब यह होता है कि सोच विचार के तरीकों को फॉर्मलाइज किया जाता है थोड़ा थोड़ा तो पहले से ही हो रहा था मगर यानी अब प्रॉपर वेज ऑफ थिंकिंग की डेवलपमेंट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन शुरू की जाती है इस तरह से कि वो ये कहें कि हम रीजनिंग को परफेक्ट करेंगे यानी हम इन तरीकों को इस हद तक परफेक्ट करेंगे कि वो मैकेनाइज़ किए जा सकें लॉजिकल कैलकुलेशंस जो हैं प्रॉपरली डिज़ाइन की जाएं और उनके ज़रिए से परफेक्ट तरीके से सोचा जाए सो so इसमें मेजर पहला नाम हमारे पास जो आता है वो है लाइबनेस जो एक जर्मन लॉजिशन और इन्वेंटर है और आज जो हम दो फिलोसोफर्स डिस्कस करेंगे उसमें इस एंगल से ज़्यादा इसका काम है <coughs> वो कहता ये था पैथोग्रासी इन्फ्लुएंस लेके कायनात में हर चीज़ जो है उसके अंदर एक मैथमेटिकल रेशोज़ हैं हर चीज़ मैथमेटिकल रेशोज में एग्जिस्ट करती है और मैथ्स के जरिए से हम हर चीज़ को समझ सकते हैं लिहाजा मैथ्स यूनिवर्स यानी कायनात की जुबान है रियलिटी की जुबान है इट इज़ दी लैंग्वेज ऑफ अल्टीमेट रियलिटी और इसीलिए वो ये समझता था कि लॉजिक भी मैथ्स की ही मैथ्स के ही सिमिलर है और क्योंकि लॉजिक और मैथ्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं और मैथ्स को वो कहता था कि लैंग्वेज ऑफ रियलिटी है चीज़ें मैथमेटिकल रेशोज में एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती हैं और म्यूजिक की तरह उसमें मैथमेटिकल हारमनी है क्योंकि म्यूजिक के अंदर जो हारमनी है वो काफ़ी कैलकुलेटेड किस्म की मैथमेटिकल होती है जो एक मेलोडी बनती है उसके अंदर अगर आप बाय ईयर भी प्ले करते हो या सुनते हो तो उसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रोल होता है सो आई मीन जस्ट बिकॉज यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट ड मीन कि वो नहीं है सो so, इसीलिए वो ये कहता था कि मैथ्स क्योंकि लैंग्वेज ऑफ रियलिटी है और लॉजिक भी उसी तरह से है और हारमोनी भी उसी तरह से है सो so, हारमोनाइज और लॉजिकल थॉट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हम एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाएं जो मैथ्स के प्रिंसिपल्स के को बेस बनाकर ऑपरेट करें इन अदर वर्ड्स वो ये कहता था कि मैंने एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनानी है जिसके अंदर नंबर साउंड कलर्स वगैरह को इस्तेमाल करते हुए मैं परफेक्ट लॉजिक के ऊपर बेस्ड काम करूंगा क्योंकि हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस फ्लॉड हैं लॉजिक के परस्पेक्टिव से तो उसकी जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज थी उसके अंदर फिर उसकी कुछ सजेशन थी मिसाल के तौर पे वो ये कहता था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है कहता था वर्ब्स में इज के अलावा सारे वर्ब्स खत्म होने चाहिए यानी इज इन ऑफ ऑफ के um, लाइव निज इन्वेंटेड अ मशीन लाइव इज द इन्वेंटर ऑफ दिस मशीन ठीक है ना नई कर दें हर चीज को बेसिकली राइट वर्ब्स एक्शन वाले ना हो हर चीज नाउन के अंदर ज्यादा जारी है इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हमने कहना है ऑल ए इज बी तो उसकी जगह कहता है कहना चाहिए ए इज नॉट बी इज नॉट पॉसिबल ठीक है ना सो so, यानी उसके कुछ उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज के के अंदर कुछ रूल्स थे जो बेसिकली लॉजिक रूल्स पे बेस्ड थे और मैथमेटिकल बेस्ड थे जिनके बेस पे वो ग्रामर की मॉडिफिकेशन की बात भी कर रहा था और इसी तरह वो कह रहा था कि हम सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हैं जिस तरह सारे नंबर्स जो यहां तो कि हम प्राइम नंबर्स तक आ जाए जो फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते एट जो है वो फोर मल्टीप्लाइड बाई टू है फोर जो है वो टू मल्टीप्लाइड बाई टू है टू इट सिर्फ टू और वन का मल्टीपल है वो प्राइम नंबर है थ्री सिर्फ थ्री और वन का मल्टीपल है वो प्राइम नंबर है सो सिंस एवरीथिंग कैन कम डाउन टू प्राइम नंबर नंबर्स इसी तरह वी कैन रिड्यूस कॉन्सेप्ट्स एंड वर्ड्स टू एसेंशियल्स इनको वो लॉजिकल एटम्स सॉरी वो मोनाड्स कहता था और बट uh, इन इनको लॉजिकल एटम्स कहता था दी आइडिया वर्स की ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है रियालिटी के जिनको स्टडी करने से हम ट्रू नॉलेज तक पहुंच सकते हैं अरवर्ड्स हम एसेंशियल कॉन्सेप्ट हम रेड्यूस कर सकते हैं चीज़ों को नागोनिफाई कर सकते हैं चीज़ों को लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल्स की प्रबेस करते हुए हम एक न्यू आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी रीजनिंग में हेल्प करेगी और जिसकी रीजनिंग एबिलिटी हमारी ह्यूमन लैंग्वेज से बेहतर होगी ये चीज़ और भी उसके कामों के अंदर नजर आती है मिसाल के तौर पर उसने काफी सारी इन्वेंशन बनाई थी जिनमें से एक एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो बनाना चाह रहा था और ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है इससे पहले ब्लेज पैसकैल भी बना चुका था और पैसकल पे भी हम थोड़े से कमेंट्स करेंगे मगर आ, इसकी जो कैलकुलेटिंग मशीन थी उसका सिर्फ मकसद नंबर्स को कैलकुलेट करना नहीं था मगर हाइपोथेटिकली उसका मकसद ये भी था कि सारी लॉजिकल और मॉरल इश्यूज़ को कैलकुलेशंस पे रिड्यूस कर सक कर दे ये मशीन ताकि हम हर चीज़ लॉजिकली अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकें और उसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज क्योंकि वो मैथ्स पर बेस करना चाह रहा था तो उसका आइडिया ये था कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मशीन है और इसी के बेस पर हम फिर आर्ग्यूमेंट्स कैलकुलेट करेंगे बेसिकली अइंड ऑफ मैकेल कैलकुलेटर या कंप्यूटर ठीक है ना ऑबियसली उस टाइम पर इलेक्ट्रिसिटी और यह सारी चीजें नहीं थी मगर डिजिटल एज ऑबियसली नहीं आई थी मगर ही हैड दिस आइडिया वो बाइनरीज पे भी उसने एक काम शुरू किया था इन द सेंस के ही बिलीव दैट ऑल ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो एन वन सो बाइनरीज का कॉन्सेप्ट हमें उसके यहां मिल रहा है ऑल्सो उसने रियलिटी पे भी इसको अप्लाई किया था जैसे उसने हर चीज मैथ्स की अप्लाई की थी ना रियलिटी पे उसने जीरो को, रियलिटी को uh, पे अप्लाई किया था सेइंग के यूनिवर्स बीइंग एंड नथिंगनेस नथिंगनेस की कॉम्बिनेशन है इज 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 गॉड प्योर प्योर एग्जिस्टेंस ठीक है ना प्योर एग्जिस्टेंस और इसमें थोड़ा सा हमारी भी कुछ थियोलॉजिकल डिबेट्स के काफी करीब आ रहे हैं मगर लाइक गॉड इज प्योर एग्जिस्टेंस एंड मैटर जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं They are a com combination of existence and non existence, of nothingness and being. So, in other words, God is being with capital B, or existence is being with small b mixed with nothingness. Again, this is a philosophical debate. But in other words, what it simply means is that God is existence itself, and matter is existence that and non existence at the same time. That's why matter dies. <coughs> इसके अलावा उसने थियोडसी पे भी काम किया था गुड एंड ईवल पे और उसने एक कहा था कि वी लिव इन द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स हम बेहतरीन जो दुनिया तस्वर की जा सकती है उसमें रहते हैं क्यों क्योंकि खुदा ने अपनी इन्फिनिट गुडनेस से अपनी बे इंतहा अच्छाई से इसको पैदा किया है जो इसमें हमें बुरा भी लगता है किसी वजह से अच्छा है बस हमें नहीं पता सो इसलिए वी लिव इन द बेस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वर्ल्ड हमेशा नजर न आ रहा हूँ मगर हर चीज़ जो हो रही है वो अच्छी है क्योंकि ये बेहतरीन पॉसिबल दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं सो अगैन थिएस्टिक फिलोसफी है सो so, वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में बिलीव करता था लॉजिक के ऊपर और मैथ्स के ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा जोर था जिसके बेस पर वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाना चाह रहा था जिसके जरिए से सारी आर्ग्यूमेंट्स को परफेक्ट किया जा सके ये उसका मेन पॉइंट था यूनिवर्सल लैंग्वेज और परफेक्ट आर्ग्यूमेंट्स मैथमेटिकल और लॉजिकल एल्गोरिथम्स पे बेस्ड होगी बीच में सारे के हमने ब्लेस पास्कल मेंशन किया था इसके ऊपर एक बीच में छोटा सा आप समझ लें वो बॉक्स है बुक के अंदर जब बात होती है मैथमेटिकल मशीन की कैलकुलेटिंग मशीन की कि ब्लेस पैस्कैल ने भी एक सिमिलर हिस्सा की मशीन बनाई थी डिफरेंस ये है कि लेबनिस की मशीन का आइडिया ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और वो उससे मॉरल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को भी डील करना चाहता था और पैस्कल की मशीन बेसिकली सो जैसे मैं कह रहा था सो <coughs> so पैस्कैल जो था उसकी कैलकुलेटिंग मशीन उसके फादर टैक्स कलेक्टर थे तो उनकी कैलकुलेशन के लिए थे तो और वो उतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं थी और ऑब्वियसली थोड़ी पुरानी थी कम्पेरेटिवली पैस्कल भी इज़ नोन फॉर सम आइडियाज़ वन ऑफ द मज़ पैस्किल्स वेजर विच इज़ बेसिकली लाइक ए व नॉट रियली श्योर कि गॉड एग्जिस्ट करता है ये नहीं बट यू नो अगर वो नहीं कर, अगर हम कहें कि नहीं करता और हम गलत हैं सो so लॉस ज़्यादा बढ़ाए क्योंकि देन वी विल बी डैम्ड वी विल गो टू हेल अगर हम गलत हुए और अगर हमने ये कहा फर्ज किया कि एग्जिस्ट करता है और हम गलत हुए तो उससे नुकसान कोई नहीं होगा तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियातन जो है खुदा को मान लें दिस इज कॉल्ड पैसकल्स वेजर ठीक है ना यानी पैस्कल्स वेजर क्या है कि खुदा का सबूत पता नहीं हमारा ताकतवर है कि नहीं है मगर अगर हम ये फर्ज करें कि नहीं है और गलत होंगे तो ज्यादा नुकसान होगा तो इसलिए कम आ, और अगर हमने मान लिया कि है और हम गलत हुए तो उसका खास नुकसान नहीं होगा तो इसलिए मान लेना चाहिए सो बेसिकली काफ़ी कैलकुलेटिंग किस्म की आर्ग्यूमेंट है लाइक यू डोंट रियली बिलीव इन गॉड बट यानी आपको यकीन असल में तो नहीं है मगर आप कहने के अच्छा चलो एहतियातन कर लेते हैं ठीक है ना Um, इसी तरह वो ये मानता था कि ह्यूमन लाइफ रेचिड है बहुत बुरी है लाइक like हम फंस गए हैं दुनिया के अंदर और वही समझता था कि नॉलेज जो है वो फेथ से है रीज़न से नहीं है यानी रीज़न से अगर आएंगे तो वही सवाल है क्या गॉड गॉड प्रूवन एग्जिस्ट होता है कि नहीं सो so उसकी जगह हमें फ़ेथ रखनी चाहिए कि नहीं ठीक uh, है ना अब अगैन uh, इसके अंदर सो so, पैस्किल के कुछ आइडियाज़ जो हैं हमने डिस्कस किए हैं और वो भी इसलिए क्योंकि एक इन्फो बॉक्स के अंदर बुक के अंदर मेंशन हुए है बहुत डिटेल में मेंशन नहीं है इसलिए खास हम इनके ऊपर भी बात नहीं करेंगे बट द मेन पॉइंट इज कि ही इज नोन फॉर द वेजर यानी पैसकर अगर हमने खुदा का एग्जिस्टेंस ना माना और गलत हुआ तो नुकसान ज्यादा बढ़ा है तो इसलिए मान लेते हैं ठीक है ना यानी असल में मानना नहीं है इट्स मोर लाइक एहतियातन मान लेते हैं शायद ठीक हो देन वी हैव जॉर्ज आफ्टर वी हैव लाइव ही इज अ जर्मन फिलोसफर और ही इज प्र वेल नोन फॉर गिविंग आइडियाज दैट बिकेम द बेसिस ऑफ मैनी अदर फिलोसफीज ठीक है ना यानी हेगिल के आइडियाज से आगे मार्क्स का आइडिया आया हेगल के आइडियाज और मुख्तु जगहों पर कोट हुए इधर उधर गए सो लाइक हेगिल इज लाइक अ बिग गाय ठीक है ना उसका मेन जो सबसे मशहूर आइडिया है वो डायलैक्टिकल रीजनिंग है डायलेक्टिकल रीजनिंग क्या डायलेक्टिक क्या होता है डायलॉग से रेलिवेंट होता है ठीक है ना आपस में बातचीत से डायलेक्टिक रीजनिंग ये है कि तारीख की इट्स अ फिलोसोफी ऑफ हिस्ट्री बेसिकली कि तारीख एक खास डायरेक्शन में चल रही है और वो चलती ऐसे है कि दो अपोजिंग आइडिया आपस में टकराते हैं एक दूसरे को खत्म करते हैं और एक नया आइडिया पैदा होता है यानी एक थीसिस होता है यानी एक आइडिया आइडिया ए और फिर उसका एक ऑपोजिट आइडिया है एंटीथिस एंटीथिस और थीसिस जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या होता है एक लड़ाई होती है ये उसको गलत साबित करता है ये इसको गलत साबित करता है दोनों की स्ट्रेंथ सामने आती हैं दोनों की वीकनेसेस सामने आती हैं और इस सारे के अंदर जो मिलजुल होता है उससे एक नया आइडिया सिंथेसिस के जरिए से पैदा होता है और वो एक नया थीसिस होता है फिर वो चलता है फिर उसका जवाब आना शुरू होता है उसका एंटीथेसिस आता है फिर उनका आपस में लड़ाई होती है उनकी कमजोरियां और ता... और, स्ट्रेंथ सामने आती हैं उनका मिक्सचर पैदा होता है उस मिक्सचर के अंदर से फिर एक नया आइडिया फिर पैदा होता है सिंथेसिस और इस तरह चलते 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 हमारे आइडियाज आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते ये आइडियाज जो है ट्रूथ uh, की तरफ यानी और प्योर रीजन की तरफ बढ़ते जाते हैं इन अदर वर्ड्स डायलैक्टिकल रीजनिंग रीजनिंग की डायलैक्टिक के जरिए से हिस्ट्री आगे चलती है आइडियाज के से फर्दर आइडियाज डेवलप होने के जरिए से और यही चीज फिर बाद मार्क्स ने अडेप्ट की थी हिस्ट्री पर और उसका उसने नाम रखा था डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म ठीक है ना मटीरियलिज्म क्यों क्योंकि प्योर मैटर पे उसकी रिलेवेंसी थी उसने बजाय के आइडियाज के अंदर इस जंग को रिलेट करता उसने इसको सोसाइटी के अंदर रिलेट किया गया कि उसने कहा लोग होते हैं फिर उनके इंटरेस्ट होते हैं फिर उसके खिलाफ एक और ग्रुप होता है फिर उनका आपस में लड़ाई होती है सोसाइटी का पूरा फॉर्म चेंज होता है नया सोसाइटी का फॉर्म होता है उसमें लोग होते हैं जिनको फायदा हो रहा होता है उनके ऑपोजिट जिनका जिनके खिलाफ सोसाइटी जा रही होती है फिर उनका आपस में क्लैश होता है फिर नई सोसाइटी का फॉर्म पैदा होता है चलते चलते एवेंचुअली वी रीच बेसिकली ठीक है ना आई मीन दिस इज अ वेरी रूडिमेंट्री समरी लाइक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स आइडिया है मगर लाइक यू पॉइंट ठीक है ना अब हेगल जो था उसके नजरिए उसके नजदीक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इंसानियत जो है और तारीख जो है वो प्योर रैशनैलिटी की तरफ जा रही है ठीक है ना और उसने इसके नजरिए कहा कि इंसान जो है वो मशीन का पुर्जा है इस तारीख की मशीन का और इंसान बजाते ख़ुद जो है प्योरली रैशनल नहीं हो सकता मगर जो स्पिरिट है तारीख का वो रैशनैलिटी की तरफ जा रहा है और जो स्टेट है वो रैशनल हो सकती है सो तो इस तरह से जो माशरा और फलसफे की डिवेलपमेंट के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता हम रेशनैलिटी की तरफ जा रहे हैं और इससे साबित ये होता है उसने कहा कि इंसान के लिए स्टेट या तारीख नहीं है बल्कि इंसान तारीख और स्टेट के लिए है इंसान को चाहिए कि रेशनैलिटी के आगे अपने आप को झुका के उस इस सफर का हिस्सा बन जाए और इसमें

मगर इसको जो ये जो राइजिंग स्पिरिट है वो कहता है और खासकर इसको जर्मनी से वो एसोसिएट कर रहा था कि जो जर्मनी के अंदर राइज कर रहा है प्योर रैशनैलिटी का और जो थीसिस सिंथेसिस की डायलैक्टिक के ज़रिए से आगे बढ़ा रहा है तारीख को प्योर रैशनैलिटी की तरफ इसको पीस की करप्शन ख़राब कर सकती है इन अदर वर्ड्स उसके नजदीक ये जो क्लैश ऑफ आइडियाज़ है इससे डेवलपमेंट होती है और यही क्लैश ऑफ आइडियाज़ हमें प्योर रैशनैलिटी और प्योर डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रही है और यही आइडिया फिर आगे लोगों ने adapt किया था जिनमें से फॉर एग्जाम्पल कार्ल मार्क्स ने अडेप्ट किया था इसको डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म के फॉर्म के अंदर कि जिसके अंदर पहले हमारे पास ये फॉर्म था सोसाइटी का फिर इन लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया फिर ये फॉर्म पैदा हुआ फिर इननेज़ किया फिर ये फॉर्म पैदा हुआ चलते चलते कैपिटलिज्म आ गया अब इसके ऊपर प्रोलिटेरियट का तरज होगा और फिर कम्युनिज्म होगा और फिर अगेन परफेक्शन पैदा हो जाएगी सो इट्स ऑल अ काइंड ऑफ सैलवेशन हिस्ट्री एक तरह से कि हम सारे पहुंच रहे हैं परफेक्शन की तरफ ठीक है ना